टीम को बधाई। इनकी वजह से ही यहाँ का शुभारंभ हो पाया। ओहो, इनकी टिकट मैंने मोती झील से IIT। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम घूमने आए हैं कानपुर मेट्रो। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 तारीख को इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि मोती झील से चल के कानपुर IIT तक जाती है। और एक एक स्टेशन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से स्टेशन ये कवर करती है, इसका किराया कितना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्टेशन के अंदर। तो चलिए सीधे मिलते हैं मेट्रो स्टेशन मोती झील के। और दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे सामने है मोती झील का मेट्रो स्टेशन। ये है कुछ ऐसा मोती झील का मेट्रो स्टेशन। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो स्टेशन के अंदर आ चुके हैं हम, मैं भी पहली बार आया हूँ। और ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैनुअल सीढ़ी और एक्सेलेटर दोनों की फैसिलिटी दी है। भीड़ बहुत है दोस्तों, कितना क्रेज है दोस्तों लोगों के अंदर, आप देख सकते हैं बहुत क्रेज है। तो अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर किस किस चीज़ के काउंटर है, कार्ड चलता है या टिकट्स हैं, कौन कौन से काउंटर है अभी हम देखते हैं। यहाँ पर ये रहा टिकट काउंटर, और ये रहा पास के लिए, और ये रहा चेकिंग काउंटर, ये रहा गेट नंबर 1, और यहाँ सिक्योरिटी चेक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है भीड़, बहुत क्रेज है लोगों में। आज फर्स्ट डे है इसका, जनता को सौंपी गई है आज के दिन। तो आप भीड़ देख सकते हैं चारों तरफ। तो फाइनली दोस्तों, मुझे टिकट मिल गई है, कुछ ऐसी है टिकट। दोस्तों ये है कानपुर मेट्रो की टिकट, मैंने मोती झील से IIT तक ली है, जिसका किराया है 30 रुपये। और अभी यहाँ पर कार्ड, मेट्रो कार्ड सेवा शुरू नहीं हुई है, बोल रहे हैं जल्दी शुरू हो जाएगी। ये कुछ गिफ्ट टोकन प्रोवाइड किया गया है मेट्रो की तरफ से, आज फर्स्ट डे इनॉग्रेशन का है। तो जिसके जिसके पास टिकट है उन्हीं के लिए गिफ्ट टोकन है। तो अब हम चेक इन एरिया पर जा चुके हैं, तो यहाँ पर अपनी चेकिंग करवाएँगे। देखिए आप, चेकिंग हो रही, बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने चेक इन करा लिया है अपना, और अब देखते हैं इधर का गेट सिस्टम, कैसे लोग गेट से बाहर निकलते हैं इधर पे मेट्रो की तरफ जाने का। दोस्तों गिफ्ट टोकन की बात करें तो अगले मिलानों का एक बिस्किट सबको गिफ्ट टोकन की तरह दिया गया है। पर दोस्तों ये रहा मेट्रो का पूरा सर्किट, IIT कानपुर से लेकर नौबस्ता तक का पूरा जो परियोजना है इनकी। इस तरह से ओपनिंग होती है डोर की, एंट्रेंस ओपनिंग जो मैंने आपको दिखाई। और अब हम चलते हैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ और दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये नौबस्ता की, और अभी जो मेट्रो लाइन बनने वाली है नौबस्ता वगैरह के लिए, ये सब वहाँ के लिए है। और ये रहा प्लेटफॉर्म 2 जो IIT कानपुर की ओर जाता है, और ये नौबस्ता की ओर जो अभी बंद पड़ा हुआ है, जिस दिन मेट्रो बन के तैयार हो जाएगी उधर के लिए। और ये गेट नंबर 2 गेट बनाए गए हैं IIT कानपुर जाने के लिए, और एक में एक्सेलेटर फैसिलिटी भी है और मैनुअल सीढ़ी भी है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार कैसी भी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट डे का क्रेज है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा ट्रेन का रूट, ये आप देख सकते हैं, ये रहा ट्रेन का रूट, और ये रहा मोती झील का बैनर, लोग फोटोज खिंचा रहे हैं उधर पे। तो दोस्तों ये रही किराया सूची, ये आप देख सकते हैं, ये है टोटल किराया हर स्टेशन से हर स्टेशन के बीच में। तो दोस्तों ये रही कानपुर मेट्रो का रन, आ चुकी है आपके सामने कानपुर मेट्रो। तो अब हम इसको बोर्ड करेंगे, यही इसका लास्ट स्टॉप है IIT कानपुर से लेके मोती झील, ये मोती झील पे आ चुकी है। अब हम इस पे चलेंगे IIT कानपुर।
दोस्तों कुछ इस तरह है हमारी मेट्रो, ये रही कानपुर मेट्रो और इसमें हम ट्रेवल करने जा रहे हैं मोती झील से आईआईटी कानपुर के लिए। तो एंटर कर चुके हैं मेट्रो के अंदर, ये रहा कितने का नज़ारा, ये रहा कितने का नज़ारा मेट्रो के अंदर का। तो दोस्तों दरवाजे हो चुके हैं बंद मेट्रो के और ये अब चलने के लिए तैयार। और ये दोस्तों देखिए मेट्रो हमारी चल चुकी है मोती झील से आईआईटी के लिए। लोगों में बहुत क्रेज है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खुशी से उमड़ पाए हैं लोग। तो दोस्तों ये हमारा पहला हॉल्ट आ गया है LLR हॉस्पिटल, जिसको हैलेट हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो इसका स्टेशन जो पड़ेगा प्लेटफॉर्म दोस्तों बाईं साइड पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा स्टेशन, ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। देखिए लोग बोर्ड कर रहे हैं और लोग उतर रहे हैं। और दोस्तों दरवाजे हो चुके हैं बंद, मात्र 5 सेकंड का स्टॉप रहता है। तो अब हमारी मेट्रो आगे चलने के लिए तैयार हैं अगले स्टॉप के लिए। और दोस्तों ये LLR हॉस्पिटल से चल चुकी है मेट्रो, ये कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर से। मोबाइल चार्जर दोस्तों इधर दिए हुए हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट का भी यूज़ किया गया है, USB पोर्ट ढेर सारे दिए हुए हैं इधर पे। चल रही है हमारी मेट्रो। तो दोस्तों जो अगला स्टॉपेज है वो है रावतपुर। जी हाँ दोस्तों वो है रावतपुर, LLR हॉस्पिटल के बाद रावतपुर रुकेंगे। तो आप देखें दोस्तों ये रहा रे मोती रावतपुर और ये रही उसकी क्रॉसिंग। तो दोस्तों आ गया है हमारा दूसरा हॉल्ट रावतपुर स्टेशन, ये है रावतपुर स्टेशन। दोस्तों ये स्टेशन भी जो प्लेटफॉर्म है इसका लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेशन है और ये रहा निकास का रास्ता रावतपुर के लिए। और ट्रेन हॉन्ग कर रही है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दोस्तों अब हमारी मेट्रो आगे चलने के लिए तैयार गीतानगर अगले स्टेशन पर। तो ये हमारी मेट्रो चल चुकी है गीतानगर के लिए, रावतपुर स्टेशन क्रॉस करके गीतानगर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारी मेट्रो पहुंच चुकी है गीतानगर मेट्रो स्टेशन। ब्रेक काफी हैवी लगाया था। यह स्टेशन गीतानगर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, मुझे लगता है सारे स्टेशन लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएंगे। तो हमारी मेट्रो गीतानगर से चलने के लिए तैयार। तो हमारा अगला स्टॉप हाल्ट है जो गीतानगर के बाद गुरुदेव चौराहा। और हम आ चुके हैं अपने अगले हाल्ट गुरुदेव चौराहा, ये रहा हमारा नेक्स्ट हॉल्ट गुरुदेव चौराहा। तो हम आ चुके हैं अपने इस हॉल्ट पे गुरुदेव चौराहा और यहाँ हमारी मेट्रो रुक चुकी है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट हॉल्ट विश्वविद्यालय। तो यह हम विश्वविद्यालय स्टेशन है
मेट्रो का। तो विश्वविद्यालय से हमारी मेट्रो चल चुकी है और अपने अगले हॉल्ट के लिए, तो हमारा अगला हॉल्ट है SPM हॉस्पिटल। जी हाँ, नेक्स्ट हॉल्ट इज़ SPM हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट हॉल्ट SPM हॉस्पिटल। SPM हॉस्पिटल से निकल के चल चुकी है, तो विश्वविद्यालय से हमारी मेट्रो चल चुकी है और अपने अगले हॉल्ट के लिए, तो हमारा अगला हॉल्ट है SPM हॉस्पिटल। जी हाँ, नेक्स्ट हॉल्ट इज़ SPM हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये आ गया हमारा नेक्स्ट हॉल्ट SPM हॉस्पिटल। आओ, तो SPM हॉस्पिटल से निकल के चल चुकी है हमारी मेट्रो। अब आगे तो नेक्स्ट हॉल्ट हमारा होगा कल्याणपुर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हॉल्ट SPM हॉस्पिटल के बाद कल्याणपुर। आप देख सकते हो दोस्तों कितना क्रेज है लोगों का। ये आ गया दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट कल्याणपुर। तो दोस्तों कल्याणपुर से मैक्सिमम मेट्रो खाली हो जाती है, क्योंकि इसके बाद अगला हॉल्ट लास्ट हॉल्ट है इसका, जो IIT कानपुर पड़ता है, तो वहाँ तक इतने लोग नहीं जाते हैं। मैक्सिमम मेट्रो जो है खाली हो गई है और अब हमारी मेट्रो लास्ट स्टॉप चलने के लिए तैयार, IIT कानपुर इसका लास्ट हॉल्ट। दोस्तों अब हम आने वाले हैं ट्रेन के लास्ट हॉल्ट, जो कि है IIT कानपुर। ओहो दोस्तों, IIT कानपुर राइट हैंड साइड पे है। ओहो, IIT कानपुर राइट हैंड साइड पे है, बाकी सारे स्टेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, IIT कानपुर राइट हैंड साइड पे, बाकी सारे स्टेशन लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। हम आ चुके हैं अपने लास्ट हॉल्ट IIT कानपुर, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये रहा IIT कानपुर। तो यहाँ पर अभी भी मैनुअल स्टेयर्स दी हैं, हो सकता है हम ऑटोमेटिक स्टेयर्स की तरफ से नहीं आए हों, वैसे तो मुझे मैनुअल स्टेयर्स ही दिख रही हैं। ये रहा एग्ज़िट IIT कानपुर से, और ये रही लिफ्ट, लिफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और ये रहा कुछ मेट्रो मॉडल, ये कुछ ऐसा मेट्रो मॉडल है। तो ये है IIT कानपुर में इनका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मेट्रो का टोटल ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये कुछ ऐसा शोकेस पे लगा हुआ है। स्टेशन की तरफ देख सकते हैं तमाम तरीके के वॉलपेपर्स क्रिएचर्स लगे हैं, जो कि मेट्रो का बिल्ड दिखा रहे हैं। और ये रही राम सेतु की जो पेंटिंग है, मार्बल पेंटिंग है, वो लगी हुई है। और ये रहा एग्जिट गेट, और ये रही मेट्रो के रिकॉग्निशन और अवार्ड्स। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलेटर फैसिलिटी दी हुई है ऊपर जाने के लिए, ये रही एक्सीलेटर फैसिलिटी IIT कानपुर के लिए। और मैं उतरने के लिए एक्सीलेटर ढूंढ रहा था, वो नहीं दिख रहे थे, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ से आने के पैसेंजर्स के लिए, जो मोती झील से आ रहे हैं IIT के लिए, उनके लिए एक्सीलेटर्स नहीं बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, उतरने के लिए एक्सीलेटर्स नहीं बनी हुई हैं। और ये दोस्तों देखिए
स्टेशन में मेट्रो का रेल सेवा का जो एक वॉलपेपर है जिसमें मोदी जी और योगी जी बने हुए हैं, आज इनकी वजह से ही यहाँ का शुभारंभ हो पाया। और ये रहा एग्जिट का दरवाज़ा IIT कानपुर के लिए, लोग बाहर आने के लिए या अंदर आने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जर्नी पसंद आई होगी, मेरा सफ़र बस यहीं तक था। अब मैं वापस मोती झील के लिए जा रहा हूँ। तो ये केवल मैंने ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ का ट्रेवल किया था और आप लोगों को एक एक किराया सूची दिखाने के लिए किस स्टेशन का किराया कितना है क्या है। तो पसंद आया ब्लॉग तो वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड डे दोस्तों।